नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में कुछ दुकानों से कपड़े जूते खरीदकर पेटीएम के फर्जी ऐप से पेमेंट करने वाली युवती को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती ने खरीदारी कर दुकान वालों को पेटीएम ऐप से भुगतान होने का झांसा दिया था, लेकिन ऐप फर्जी था जिसमें भुगतान होना दिखाई दिया जबकि पैसा दुकानदार को नहीं मिल पाया। धोखाधड़ी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। यहां तक कि मीडिया में भी मौजूद खबर आने के बावजूद ये युवती ठगी करती रही और कुछ दुकानदारों को हजारों रुपयों का चूना लगा दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुकोगंज थाने के सिपाही लोकेश गाथे, रामकृष्ण पटेल, शैलेंद्र सिंह और किशोर सवालिया को थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती की तलाश में लगाया। जांच पड़ताल में गाड़ी नंबर के आधार पर युवती का पता चल गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तुकोगंज में अलग अलग थाना क्षेत्रों में शॉपिंग के नाम पर एक युवती ठगी की वारदात को अंजाम दे रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस को एक जानकारी मिली थी, कई बार पेटीएम के फर्जी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करा के एक युवती पैसे निकाल रही थी और कई युवकों को उसने शिकार बनाया था। उस कड़ी में पुलिस ने जानकारी जुटा करके और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार किया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और